चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 इसको सोल्व करते हैं। इसमें डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट को सोल्व करके ये लाना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ध्यान से देखिए, जो अपने को दिया हुआ डिटरमिनेंट जो लाना है, जो लाना उसमें अगर ध्यान से देखते हैं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब लाना है। ठीक है, क्या लाना है यहाँ पर थोड़ा सा लिख रहा हूँ समझने के लिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक, होल क्यूब तो बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये लाने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर समझते हैं, देखते हैं कहाँ पर कुछ करने से आ सकता है कि नहीं आ सकता वो। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर है, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ 2ab है और यहाँ पर माइनस 2b है, माइनस 2b। उसी तरह से यहाँ पर इसी को देखते हैं तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इधर 2ab है, इधर 2b है। तो हम चाहे तो यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ला सकते हैं इसके और इसके हेल्प से, या तो फिर इसके और इसके हेल्प से। कैसे ला सकते हैं ध्यान से समझिए, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें हम लोग ये जो पार्ट है 2b, अगर 2b जो आर थ्री में 2b, इसको अगर हम लोग b से मल्टीप्लाई कर दें, 2b को b से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब आर थ्री को b से मल्टीप्लाई कर दें, और b से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें अगर ऐड कर दें, आर वन के साथ अगर ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 2b स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये इसको ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, प्लस 2b स्क्वायर। और जब प्लस 2b स्क्वायर आएगा, प्लस 2b स्क्वायर, तो जब इसको सोल्व करते क्या आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने को मिल सकता है, जो चाहिए वो मिलेगा, एक ही चीज मिलेगा, बाकी क्यों करना बाद में सोचेंगे कैसे कैलकुलेशन होगा, लेकिन अभी अपने को एक रास्ता मिला, एक वे मिला है, प्रोसेस सब दिखा है कि कैसे हम लोग इसको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ला सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आर थ्री को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, बी से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें हम लोग ऐड कर देंगे आर वन में ऐड करें तो अपने को आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर मिल जाएगा। उसके आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए तो प्रोसेस अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग, हम लोग चेंज करना चाहते हैं आर वन में चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, क्या करना चाहते हैं, तो R1 और R3 को ऐड करना चाहते हैं, लेकिन R3 को B से मल्टीप्लाई करके, R1 और प्लस करना चाहते हैं R3 को, लेकिन R3 को कब, जब B से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ना बी स्क्वायर हो जाएगा ये, अभी तो बी स्क्वायर यहाँ पर B है, तो इसको B से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि बी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर इसमें सोल्यूशन हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर B से मल्टीप्लाई होगा। R1 में हम ऐड करेंगे R3 को, लेकिन R3 को B से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो चलिए देखते हैं। क्या आएगा प्रोसेस, देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आर थ्री को बी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जोड़ देंगे, तो आर थ्री में क्या है 2b, तो 2b में बी से मल्टीप्लाई करता जाएगा 2b स्क्वायर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो प्लस 2b स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला, और बी से मल्टीप्लाई इसने किए और बी से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है 2ab, और क्या करना अपने को इसमें आप थ्री में बी से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ना है, हमको जोड़ना है, प्लस करना है इसमें से बी मल्टीप्लाई करके, तो बी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा माइनस 2ab, तो जोड़ना है और यहाँ पर माइनस है तो प्लस इंटू माइनस यहाँ पर हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 2ab यहाँ पर था, ये बोला माइनस 2ab आ गया यहाँ पर, इसमें बी से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दी। उसी तरह से आगे चलिए, आगे क्या करना पड़ेगा, माइनस 2b है यहाँ पर, माइनस 2b है, माइनस 2b, और इसमें क्या करना पड़ेगा, b से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ना पड़ेगा। चलिए इसमें b से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी का क्यूब, और इसको जोड़ देंगे इसके साथ, माइनस 2b ऊपर है और इसके साथ जोड़ते हैं इसको, b से मल्टीप्लाई करने के बाद b से मल्टीप्लाई करते हैं आ जाएगा प्लस बी माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस बी का क्यूब।
ठीक है, आर वन में चेंजिंग हुआ, बाकी आर टू आर थ्री जो था जैसा था वैसे रह जाएगा। टू ए बी वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए, ठीक है। उसके आगे यहाँ पर टू बी माइनस टू ए और वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। चलिए देखते हैं इसको सोल्व करते क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लस बी स्क्वायर। अगला स्टेप यहाँ हो जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर सोल्व करने पर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए टू ए बी माइनस टू ए बी से कैंसिल हो गया, यहाँ पर जीरो आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या आएगा, माइनस टू बी और प्लस बी सोल्व करिए क्या आएगा, माइनस बी, माइनस टू बी प्लस बी करने पर आएगा माइनस बी, दिया जाएगा माइनस बी और माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस बी का क्यूब, ठीक। और उसके आगे जैसा था वैसे रखते हैं, टू ए बी टू बी वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए, इधर टू ए वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ये जो वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर यहाँ पर हम लोग वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करने की कोशिश करें, यहाँ पर लाने की कोशिश करें, तो क्या करना पड़ेगा, तो देखते हैं। वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर कहीं पर देखिए इसमें ये जो आपका आर थ्री है, आर थ्री को हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर दें, ए से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर हम लोग ए से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा माइनस टू ए स्क्वायर, और माइनस टू ए स्क्वायर को अगर इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनस, और हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस के साथ, माइनस इंटू माइनस प्लस टू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सोल्व करने पर आ जाएगा ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। मतलब करना क्या पड़ेगा अपने को, आर थ्री को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर थ्री को ए से मल्टीप्लाई करके आर टू के साथ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आर टू में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए तो इस जगह पे हम चाहते हैं वन प्लस, यहाँ पर जो वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर हम चाहते हैं वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखिए प्रोसेस क्या अप्लाई होगा, तो अप्लाइंग आर टू में हम चेंज करना चाहते हैं, आर टू में हम चेंजिंग चाहते हैं, क्या करना पड़ता है, तो आर टू जो है आर टू में इसको घटाना चाहते हैं, आर थ्री को, आर थ्री को घटाना चाहते हैं, कब, आर थ्री में ए से मल्टीप्लाई करने के बाद, ए से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। चलिए तो अपने को यहाँ पर मिल गया वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जीरो, ये हो गया माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस बी का क्यूब, ठीक। आर टू में चेंजिंग है तो आर टू में ध्यान से देखते हैं, आर टू में क्या, पहले आर टू टू ए बी टू ए बी टू ए बी और माइनस करना है, माइनस करना है आर थ्री को ए से मल्टीप्लाई करके, तो आर थ्री क्या है टू बी, टू बी को ए से मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा टू ए बी, और टू ए बी इसमें माइनस हो जाएगा, तो टू ए बी और माइनस टू ए बी, ठीक है। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर अपने को मिला हुआ वन प्लस वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें क्या करना पड़ेगा, तो आर थ्री में ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें ए से मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए, इसमें घटा देते, इसमें घटाएंगे तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर माइनस पहले से, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, टू ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, आर टू में तो टू ए पहले से है, टू ए पहले से है, और उसके बाद माइनस करना पड़ता है, माइनस करेंगे किस चीज़ को, इसमें ए से मल्टीप्लाई करके, ये जो आर थ्री, आर थ्री को ए से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें हमको माइनस करना है, तो टू ए में से माइनस करना पड़ेगा, इसमें ए मल्टीप्लाई करके, अगर इसको हम ए से मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा, ए माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, और इसको टू ए में से माइनस करना पड़ेगा, तो टू ए माइनस करना पड़ेगा इसमें से ए को मल्टीप्लाई करके, तो ए मल्टीप्लाई करिए, ए को वन से करने पर ए आएगा,
ठीक है, चूंकि माइनस करें तो अंदर का साइन माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते ए का क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी स्क्वायर और लास्ट आपका है आर थ्री टू बी माइनस टू ए वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसको सही से लिख देते हैं माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी का यहाँ तक हम लोग सोल्व कर चुके थे, जो नीचे लिखा था उसको ऊपर वापस लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग सोल्व कर चुके थे, फिर से देख लीजिएगा यहाँ तक सोल्व हो चुका है। इसके आगे अगला स्टेप इसको सोल्व कर लेते हैं, आ जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है जीरो। अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखते हैं बी कॉमन निकल रहा है, माइनस बी कॉमन निकल रहा है, निकाल लेते हैं माइनस बी कॉमन निकाल देते क्या आ जाएगा वन, माइनस टोटल से निकल गया बाहर, अंदर सारा का सारा प्लस में आएगा। ठीक है, और बी निकाल दे रहे हैं बाहर तो बी निकल गया, यहाँ पर आ जाएगा वन और यहाँ पर जो प्लस, यहाँ से बी निकल क्या बचेगा ए स्क्वायर और यहाँ से प्लस बी क्यूब में से बी चला गया तो बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए टू ए बी माइनस टू ए बी जीरो हो गया, यहाँ पर देखिए वन माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर तो सोल्व करके क्या आ जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए टू ए माइनस ए करें क्या आ जाएगा टू ए माइनस ए करें पर आ जाएगा ए प्लस ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर, ए प्लस ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ए टोटल से निकल रहा है कॉमन, टोटल से ए कॉमन निकल रहा है, अगर ए पूरे से कॉमन निकाल तो क्या अंदर क्या बचेगा। तो चलिए अगला स्टेप में इसको करेंगे, अगला स्टेप में सोल्व करेंगे टू बी माइनस टू ए या अगर आपके पास माइनस वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ से हम ए कॉमन निकाल लेते हैं या तो फिर हम लेते हैं चलिए। अच्छा आगे देखिए अपने को एक जीरो यहाँ पर मिला हुआ है, अगर यहाँ पर भी अपने को जीरो मिल जाए तो डबल जीरो मिल जाएगा फर्स्ट रो में, एक जीरो यहाँ मिला हुआ एक जीरो यहाँ मिल सकता है। कैसे मिल सकते हैं ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर इसको हम बी से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दें, इसको बी से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें हम जोड़ देते तो आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब बी से मल्टीप्लाई करके माइनस में प्लस में रहेगा, दोनों जोड़ करने पर कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कॉलम थर्ड में काम करेंगे, यहाँ पर जीरो चाहते हैं हम लोग, इस जगह पर जीरो चाहते हैं, कहीं और भी आप कर सकते थे, किसी और तरीके से भी आप कर सकते थे, लेकिन अभी हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पर अगर जीरो को करना है तो इसमें बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बी से मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ देंगे। चलिए तो अप्लाइंग कॉलम थ्री में हम काम करेंगे, कॉलम थ्री में काम करेंगे और कॉलम थ्री के साथ ऐड करना चाहते हैं हम कॉलम वन को, कॉलम थ्री के साथ कॉलम वन को ऐड करना चाहते हैं, कॉलम वन को ऐड करना चाहते हैं कब, बी से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो बी से मल्टीप्लाई करके उधर ऐड कर देते हैं, बी से मल्टीप्लाई करके कॉलम वन के साथ ऐड कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या आता है, तो कॉलम वन और कॉलम टू सेम रहेगा, कॉलम थ्री में चेंज हुआ, कॉलम वन वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये जीरो ये टू बी, कॉलम टू जीरो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, नीचे माइनस टू ए। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जीरो आ जाएगा, माइनस बी के साथ ये पूरा पूरी इनटू में है, कॉलम थ्री पूरा पूरी और बी से मल्टीप्लाई इसको करें तो बी यहाँ पर इनटू आ जाएगा, अब ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो। इस प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद यहाँ जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह कॉलम थ्री में ये है आपका क्या है ए प्लस ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर और इसमें से हमको प्लस करना पड़ेगा सी वन के साथ मल्टीप्लाई करके बी को, तो यहाँ पर हम बी से मल्टीप्लाई करें तो बी इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो के साथ इसको अगर ऐड करें क्या आएगा यही सेम सेम रह जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा।
ठीक है, आगे चलिए। कॉलम थर्ड यहाँ पर है नीचे वाला, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर टू बी, ये जो टू बी है इसको सी वन को बी से मल्टीप्लाई करें, तो इसको अगर बी से मल्टीप्लाई करें तो टू बी इंटू बी हो जाएगा टू बी का स्क्वायर। टू बी का स्क्वायर इसके साथ अगर ऐड करते हैं, क्या ऐड करेंगे, टू बी स्क्वायर, फिर देखते हैं क्या आता है। चलिए स्टेप को सोल्व करते हैं, तो आगे आपके पास वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो जीरो जीरो, टू बी, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आपका ए प्लस ए का क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर आपका है टू बी, यहाँ हो जाएगा माइनस टू ए, और यहाँ पर आ गया, देखिए क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर आएगा, प्लस बी स्क्वायर, वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर अपने को वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला, यहाँ भी वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला, और यहाँ पर अपने को मिला हुआ है वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बड़ा आसान हो गया, देखिए ध्यान से। तो अगर यहाँ पर हम प्लस ए स्क्वायर चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसके साथ माइनस टू ए जो, इसमें अगर हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा टू ए स्क्वायर, और टू ए स्क्वायर करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से माइनस कर देंगे इसमें ए मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। तो अप्लाई करते हैं एक प्रोसेस, अप्लाइंग क्या चाहते हैं, कॉलम थर्ड में हम काम करेंगे, फिर से कॉलम थर्ड में हम काम करेंगे, और चाहते हैं कि कॉलम थर्ड के साथ इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए, किसको, कॉलम टू को, कॉलम टू को सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या करके, ए से मल्टीप्लाई करके, इसमें ए से मल्टीप्लाई करता जाएगा माइनस टू ए स्क्वायर, और माइनस इसमें सब्ट्रैक्ट तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस टू ए स्क्वायर इधर माइनस ए स्क्वायर, सॉल्व करने पर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई करने के बाद। चलिए तो कॉलम थ्री में चाहिए, कॉलम वन कॉलम टू सेम रहेगा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जीरो, टू बी, यहाँ आ जाएगा जीरो, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए, कॉलम थर्ड में चाहिए, कॉलम थर्ड में क्या है, जीरो, और इसमें जीरो से मल्टीप्लाई ए से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जीरो का जीरो रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें कॉलम थर्ड क्या है, ए प्लस ए का क्यू प्लस ए बी स्क्वायर, और इसमें से माइनस करते हैं ए को मल्टीप्लाई करके, तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें माइनस करेंगे, देखिए क्या होगा, माइनस करेंगे ए से मल्टीप्लाई करिए, ए से वन को मल्टीप्लाई करिए, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करिए तो ए का क्यूब हो जाएगा, और माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आगे इसमें देखते हैं, तो वन माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और माइनस कर तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, प्लस टू ए स्क्वायर, टू ए स्क्वायर, ध्यान से अगर देखिए तो ए माइनस ए के साथ कैंसिल हो गया, ए क्यूब माइनस ए क्यूब के साथ, और ए बी स्क्वायर माइनस ए बी के स्क्वायर, यहाँ पर जीरो आ गया टोटल। चलिए देखिए अगला स्टेप इसका आगे करते हैं, यहाँ पर सब कैंसिल होने के बाद यहाँ पे जीरो आ चुका है, अब देखिए क्या आ गया, ये बराबर वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो और टू बी, जीरो ठीक, यहाँ पर जीरो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए, जीरो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए, ठीक है। इधर यहाँ पे जीरो, इसको सॉल्व करने पर ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो और ये भी जीरो, और नीचे आ गया वन प्लस, इसको सॉल्व करके देखिए माइनस ए स्क्वायर और प्लस टू ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर सोल्व करने पर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर, तो वन और
इसको सॉल्व करते हैं, प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर डबल जीरो, आर वन में भी आपको डबल जीरो मिल चुका है, तब आर वन कॉलम में से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, या तो कॉलम थर्ड में आपको मिला हुआ डबल जीरो, कॉलम थर्ड कॉलम में इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए हम आर वन कॉलम इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन, आर वन कॉलम इसको एक्सपेंड करते हैं। देखिए आर वन के अलग इसे एक्सपेंड करें तो आर वन ये रूल डबल जीरो आया हुआ है, तो डबल जीरो के कारण कोई कैलकुलेशन करने फायदा होगा नहीं, सिर्फ ये जो आपका एलिमेंट है वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ इसके कारण हम लोग इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करके आंसर लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ये तो इसके लिए प्लस रहेगा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ ये वाला पार्ट बचा, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा जीरो को टू ए से मल्टीप्लाई करके, तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों सेम चीजें हैं, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर माइनस करना पड़ता है, माइनस करेंगे किसको, तो जीरो को माइनस टू ए से मल्टीप्लाई करके, तो जीरो से माइनस टू ए को मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा जीरो, इसको सेपरेट करने पर क्या आएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। देखिए जो अपने को लाना था, ध्यान से देखिए अपने को यही प्रूव करना था, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, हम लोग ले आए वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ये प्रूव हो चुका है, आर एच एस आ चुका है, ये प्रूव हो गया है। लेकिन दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन अलग प्रोसेस से सोल्व किया गया, इसको अलग टेक्निक यूज किया गया है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा।